सत्र में आज का जो सत्र है हमारा वो है हमारा संचार माध्यम। संचार क्या चीज है? संचार वो युक्ति है कि हम अपनी बात को किस जरिए से पहुंचा सकते हैं, कौन सा ऐसा माध्यम हो जिसके जरिए हम अपनी बात को तुरंत दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वो संचार है। और अपनी बात को हम कितनी चीजें हैं, अखबार के जरिए, विज्ञापन के जरिए, अब तो ये मोबाइल फोन आ गया है, इसके जरिए जरा सी देर में हम अपनी बात को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। किसी भी चीज का विज्ञापन देना है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई विज्ञापन देना पड़ेगा। हम अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं नया, तो विज्ञापन के जरिए क्या है, हम अपना पहचान बनाते हैं और उसे दूसरे तक कि वो कैसे हमारे विज्ञापन को देख के आकर्षित हो सकते हैं, वो भी संचार के माध्यम में आता है। तो संचार के विषय में बच्चों तुम लोग क्या क्या बता सकते हो, बताओ, खड़े होकर के एक एक करके बच्चे बताओ, तुम्हें क्या समझ आया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने का तरीका ही संचार कहलाता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संचार का मानव की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बढ़िया। संचार के लिए पहले पक्षियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करते हैं, स्कूल सत्र को आगे बढ़ाते हुए तुम्हारे तीन ग्रुप बनाते हैं। अपने अपने ग्रुपों में थोड़े से इधर उधर हो जाओ, ग्रुप बना लो अपने तीन, ठीक है? मैं एक एक ग्रुप को एक एक पर्ची देती हूँ और उस पर्ची के आधार पर तुम्हें क्या करना है कि उसके कौन से संचार के साधन हो सकते हैं, वो चीजें तुम्हें बोलनी है ना? तो आया टॉपिक पुराने समय में संचार के माध्यम। क्या था पुराने समय के माध्यम? पुराने समय में मतलब पुराने समय में हाँ, अपनी संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर और बाज का प्रयोग किया जाता। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो तुम्हारे पर्ची क्या आई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले घर में टीवी होते थे, अब LCD है, फोन, टेलीफोन, रेडियो, ये सब क्या है, संचार के हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। बैठ जाओ। तीसरा ग्रुप खड़े हो। प्रिंट मीडिया के अंदर हमारे अखबार आते हैं, अखबार के अंदर हमें देश विदेश की जानकारी मिलती है। प्रिंट मीडिया के अंदर हमारी किताबें भी आती है, जिनमें हमें अनेक प्रकार की कहानियां जानकारी प्राप्त होती है और इसके अंदर हमारे विज्ञापन और पत्र और पत्रिकाएं भी आती हैं। यानी कि जो कुछ भी प्रिंटेड है, जिसमें छपा हुआ है, वो हमारा क्या है, प्रिंट मीडिया। और उसमें कुछ भी हो सकता है, किताब है, जो भी तुमने एग्जाम्पल दिए, न्यूज पेपर्स हैं, पत्रिकाएं हैं। ओके, हाँ, तो इसके जरिए आप लोगों को समझ में आया कि ये संचार आखिर है क्या? यस मैम। है ना, कि संचार क्या है, कि जिससे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके, वो बात हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारे क्या हो, कोई रोजगार संबंधी कार्य हो, चाहे कोई खराब अप्रिय घटना हो, चाहे कोई अच्छी घटना हो, वो सब किसके माध्यम से हमें पता चलती है, संचार के माध्यम से। तो बच्चों आज तुमने जान लिया कि संचार क्या है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू।